आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं JS 2218 जो कि बेड पर लगी हुई है, और बेड पर लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा आपको नज़दीक से बताएंगे कि JS 2218 किस प्रकार से लगी हुई है। हम आए भाई योगेश भाई, हमारे योगेश जी, और क्या हालचाल है? बस बढ़िया था। तो थोड़ा सा आप बता दें 2218 में मतलब जो बेड पर लगी हुई है इसमें अभी फ़िलहाल में देखें अगर तो वाटर रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फली की पोजीशन, हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल में अब इतने दिनों से पानी नहीं आया उसके बाद भी मतलब। और ये देखिए फल, एक सिंगल प्लांट निकालो यार, ये सिंगल प्लांट निकालो, ये सबसे बेटर अपन बोल सकते हैं, ये वाला सिंगल बहुत सबसे बेटर है। मतलब इससे अच्छा कोई पौधा अभी फिलहाल की कंडीशन में तो नहीं हो सकता। ये देखिए अब अगर इसमें देखा जाए तो मैकेनिकल हार्वेस्टर से काटने के लिए उपयुक्त है, लगभग 4 से 5 इंच ऊपर से इसमें फलियाँ स्टार्ट होती हैं, और यह है कंडीशन। इसमें कुछ 2 दाने की फलियां हैं, कुछ 3 दाने की फलियां हैं। तो इसका एक सिंगल प्लांट है, एक थोड़ा सा कमज़ोर वाला पौधा जो बोल सकते हैं उसको निकालते हैं अब हम, थोड़ा सा एक कमज़ोर वाला निकालना है ये देखिए। और बेड पर लगाने का ये फ़ायदा, ये देखिए अभी फ़िलहाल में अगर यहाँ देखेंगे अपन तो ये देखिए इसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें फट गई हैं, साइड से भी फट गई हैं, लेकिन अगर यहाँ देखें बेड के ऊपर तो यहाँ आपको देखोगे तो यहाँ पर मतलब उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक पानी की, क्योंकि तो इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा डीप में गई हैं। हाँ, और ये देखिए आप बेड के अगर थोड़ा सा निकालेंगे मिट्टी तो इसके नीचे मॉइस्चर है अभी, लड्डू बन रहा ना मिट्टी। हाँ, ये देखिए ये मॉइस्चर है, ये नमी अभी तक बरकरार है बेड के साथ में। तो देखिए इसके 2-3 फायदे हैं बेड पर लगाने के। एक तो अगर आपका खेत में ज़्यादा पानी भराता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बीच वाला नाली है, नाली इसको बोलते हैं हमारे क्षेत्र में कैनाल नाली, तो इससे पानी निकल जाएगा। और अगर वाटर स्ट्रेस हो गया कि पानी काफ़ी दिनों तक आया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर हमने पानी वानी दे दिया था, आपको थोड़ा सा अंदर चल के फिर से और दिखाएंगे। ये देखिए ये अभी इसमें पर्याप्त तो मात्रा में पानी है। योगेश भाई थोड़ा सा अंदर चल के देखेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि मतलब, हाँ घूम के चलते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हमने आप सभी को बिल्कुल वहाँ से दिखाया था, तो जो कॉर्नर है वो उसी रो से आपको दिखाया था। तो अब हम आ गए हैं बीच में, तो बीच में देखते हैं क्या कंडीशन है। तो थोड़ा सा पहले तो मॉइस्चर देख लेते हैं। योगेश भाई मॉइस्चर निकालो अभी फ़िलहाल में। और अगर पौधे देखा जाए तो ये देखिए इसमें यहाँ भी बिल्कुल फलों की कोई कमी नहीं है, वाइट फ्लाई बहुत तेज है क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन हो रहा बहुत। अब ये देखिए यहाँ पर भी अब हमने यहाँ निकाला, मतलब पानी वानी दिया नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पर ये देखोगे तो ये देखिए मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ पर अगर अभी 3-4 दिन भी पानी नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों होगा भाई, सही है ना। तो ये बेड पर लगाने के फायदे हैं, और थोड़ा सा क्या है प्लस पॉइंट ये भी है कि ये टोटल ब्लैक सॉइल है। अभी कई प्लाट हमारे गांव में ऐसे हैं जो कि सूख चुके हैं। फल्लड़ भी देखोगे ना। और ये देखिए 2218 अभी फिलहाल में इसमें फलियों की कोई कमी नहीं है। ये देखिए ब्रांचिंग है, लगभग 1-2-3-4 ब्रांचिंग है, लेकिन अभी दाने भी मतलब इसमें भराना स्टार्ट हो चुके हैं पर्याप्त मात्रा में। परसेंट हैं दाने तो कंप्लीट, अभी 10% से। अभी 4-6 दिन मतलब अगर पानी नहीं आएगा तो भी कोई कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये है बेड की कहानी। हेलो, ये देखिए